गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउसिंग सब्जेक्ट में डेटा माइनिंग एलिमेंट्स और डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डेटा माइनिंग कैसे काम करता है, कैसे वो डेटा वेयरहाउस से अटैच होता है, तो उसका एक आर्किटेक्चर होता है और उस आर्किटेक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पहले से हमारे लिए अननोन थी, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, ऐसी जो इम्पोर्टेंट पोटेंशियली वेरी यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा वेयरहाउस से। डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक इज नथिंग बट द वेरियस कंपोनेंट्स विच कंस्टिट्यूट द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। तो आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं है, जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है डेटा माइनिंग के, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसी को हम डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं डेटा माइनिंग में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, डेटा सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि कोई सोर्स होगा तभी तो हम निकालेंगे। ज़मीन में से हम खनन करते हैं, कहीं से ऑयल निकल रहा है, कहीं से मार्बल निकल रहा है, कहीं से आयरन निकल रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, तो वो ज़मीन में पहले से है दबा हुआ, तभी तो हम निकाल रहे हैं ना। नहीं तो हम तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर वहाँ पर नीचे पानी, तो पानी निकलेगा। तो पहला तो चीज़ ये है कि वो सोर्स होना चाहिए जो चीज़ निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा माइनिंग कर रहे हैं, डेटा का खनन कर रहे हैं, तो डेटा का सोर्स भी तो होना चाहिए, डेटा वेयरहाउस भी तो होना चाहिए। तो पहला जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है वो है सोर्स ऑफ डेटा, डेटा के स्रोत। द प्लेस वेयर वी गेट आवर डेटा टू वर्क अपॉन इज नोन एज द डेटा सोर्स और द सोर्स ऑफ डेटा। मतलब वो स्थान जहाँ से हम डेटा को निकालेंगे या जिस डेटा को हम काम में लेंगे उसे डेटा स्रोत या सोर्स ऑफ डेटा बोलेंगे। देर आर मैनी डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेड एंड वन माइट आल्सो आर्ग्यू दैट दी होल वर्ल्ड वाइड वेब इज अ बिग डेटा वेयरहाउस। तो आप वर्ल्ड वाइड वेब www है, इसको भी आप ये बोल सकते हो कि ये भी क्या है, अपने आप में डेटा का सोर्स है। तो यहां से हम डेटा की माइनिंग कैसे करते हैं, हम गूगल पर जाएंगे और जो भी हमें ढूंढना है गूगल में टाइप करेंगे और गूगल अपने को निकाल के दे देगा। करोड़ों अरबों डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों GB स्टोरेज है, उसमें से हमारे काम का डेटा हम निकालेंगे गूगल के थ्रू। द डेटा कैन बी एनीवेयर एंड सम माइट रिजाइड इन टेक्स्ट फाइल्स, ए स्टैंडर्ड स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट और एनी अदर वायबल सोर्स लाइक द इंटरनेट। तो ये जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरह से हो सकता है, ये एक प्लेन जो फाइल होती है उसमें हो सकता है, जैसे नोटपैड की फाइल होती है, एमएस वर्ड की फाइल होती है, या फिर एक एमएस एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट होती है, उसमें हो सकता है, या फिर डेटाबेस में हो सकता है, या इंटरनेट पर हो सकता है। तो ये डेटा कहीं भी हो सकता है जहाँ से हमें डेटा को निकालना है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर। The server is the place that holds all the data which is ready to be processed. तो सर्वर वह स्थान होगा जो उस डेटा को रखेगा स्टोर करके, जो कि प्रोसेस किया जाना है हमारे द्वारा, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारा जो डेटा है वो स्टोर किया हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे सर्वर, डेटा वेयरहाउस सर्वर या डेटा बेस सर्वर। द फेचिंग ऑफ डेटा वर्क्स अपॉन द यूजर्स रिक्वेस्ट एंड दस द एक्चुअल डेटा सेट कैन बी वेरी पर्सनल। तो उपयोगकर्ता के अनुरोध पर डेटा प्राप्त करना काम करता है और इस प्रकार वास्तविक डेटा सेट व्यक्तिगत हो सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वह डेटा माइनिंग इंजिन। द फील्ड ऑफ डेटा माइनिंग इज इनकम्प्लीटेड विदाउट वाट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इट नोन एज डेटा माइनिंग इंजिन। तो डेटा की माइनिंग कर रहे हैं,
वो जब तक डेटा माइनिंग इंजन हमारे पास नहीं होगा तो वो अधूरा होगा वो आर्किटेक्चर। ठीक है, जब भी आपको कुछ माइनिंग करनी है, खनन करना है, तो उसकी जो मेन मशीनरी होती है जिसके द्वारा हमें वहाँ से निकाल के प्रोसेस किया जाना है, अगर वो मशीनरी नहीं है तो आप वहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको ग्राउंड वाटर को ऊपर लाना है तो आपको क्या एक पंप की ज़रूरत होती है, पावरफुल पंप। अगर आपके पास जब तक वो पंप नहीं है, आप वो पानी नीचे से आप नहीं निकाल सकते। वैसे ही आप माइंस में से मिनरल्स वगैरह कुछ निकालना है तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हमें चाहिए होती है, अगर वो मशीनें नहीं है तो हम माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही डेटा माइनिंग में क्या होता है, डेटा माइनिंग इंजन होता है। अब यहाँ पर इंजन से क्या मतलब है, क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई इंजन है जैसा हमें दिखेगा? देखिए, यहाँ पर इंजन से मतलब है एक सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास। इट यूजुअली कंटेन्स अ लोट ऑफ मॉड्यूल्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। तो डेटा माइनिंग इंजन एक तरह से क्या होता है, खूब सारे इसमें मॉड्यूल्स होते हैं और वो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई प्रोसेसिंग का कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई इंटीग्रेशन कर रहा है। द टास्क विच कैन बी परफॉर्म्ड कैन बी एसोसिएशन, कैरेक्टराइजेशन, प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन। तो इसमें टास्क कौन कौन से हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकता है, कैरेक्टराइजेशन हो सकता है, प्रिडिक्शन हो सकता है, क्लस्टरिंग हो सकता है, क्लासिफिकेशन। ये हम पहले देख चुके हैं, टास्क ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग टास्क जो पढ़ा था कि क्या क्या करता है। फोर्थ है मॉड्यूल्स और पैटर्न इवोल्यूशन। दिस मॉड्यूल ऑफ द आर्किटेक्चर इज मेनली एम्प्लॉयड टू मेजर हाउ इंटरेस्टिंग द पैटर्न दैट हैज बीन डिवाइज इज एक्चुअली। ये जो हमारा मॉड्यूल है जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूल्स फॉर पैटर्न इवोल्यूशन, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन निकली है उसका हम एक पैटर्न बनाएंगे जिससे कि हमें उसको एनालाइज करने में आसानी होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है उनको हम निकालेंगे इन्फॉर्मेशन में से। फॉर द इवोल्यूशन पर्पज यूजली अ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज यूज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का यूज करते हैं। देखिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आपका रिजल्ट आया, अब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, उसका कैसे डिसाइड होगा? तो फर्स्ट डिवीजन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है 60% मार्क्स। अगर आपके 60% मार्क्स हैं या उससे ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीजन में हो, आपके 45 से ऊपर है या 45 है तो आप सेकेंड में हो, और 45 से नीचे वाले थर्ड में, फिर उसके बाद में 36 या कुछ होगा उसके नीचे वाले फेल। तो ये जो वैल्यूज है 36, 45, 60, ये क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज। तो ऐसे यहाँ पर हमारा पैटर्न इवोल्यूशन होगा, वो उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यूज रहेगी। अनदर क्रिटिकल थिंग टू मेक नोट हियर इज दी दिस मॉड्यूल हैज़ ए डायरेक्ट लिंक ऑफ इंटरेक्शन विद द डेटा माइनिंग इंजन। तो ये जो मॉड्यूल होगा हमारा, जो पैटर्न फाइंड करेगा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का, वो डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली लिंक होगा डेटा माइनिंग इंजन के साथ में। वुज मेन एम इज टू फाइंड इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, और इसका मेन काम क्या होगा, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकालना। इसको हम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखिए इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको कैमरे के थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, यहाँ पर क्या है मेरे पास, जैसे एक ये स्प्रेडशीट है, देख सकते हैं आप कंप्यूटर में। डेटा दिखना जरूरी नहीं है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि स्प्रेडशीट है। अब देखिए इसमें क्या है, खूब सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रो डेटा ऐसा पड़ा हुआ, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। अगर इसी का हम पैटर्न बनाना चाहें, ठीक है, तो इसमें क्या, क्लासेज की इन्फॉर्मेशन है कि ई क्लासेज जो चल रही है उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका हम पैटर्न कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में आता है जीयूआई और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट दिस मॉड्यूल ऑफ द आर्किटेक्चर इज व्हाट इंटरेक्ट विद द यूजर। तो
तो देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली डेटा माइनिंग हम किसके थ्रू करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर है, इंसान है, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो दो तरह के इंटरफेस होते हैं, जीयूआई और सीयूआई। जीयूआई में क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और सीयूआई में कमांड यूजर इंटरफेस होता है। जीयूआई सर्व एज दी मच नीडेड लिंक बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम ऑफ डेटा माइनिंग। तो सिस्टम है डेटा माइनिंग का, उसको यूजर के साथ कैसे इंटरेक्ट कराना है, वो काम जीयूआई करता है। जीयूआई मेन जॉब इज टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्विंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग एंड प्रोवाइड द यूजर विथ एन ईज टू यूज एंड अंडरस्टैंड मॉड्यूल विच वुड अलाउ देम टू गेट एन आंसर टू देयर क्वेरीज इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड फैशन। तो जीयूआई का जो मुख्य काम है वो डेटा माइनिंग की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं को छुपाना है और मॉड्यूल का उपयोग करने और समझने में आसान उपयोगकर्ता प्रदान करना है, जो उन्हें फैशन को समझने के लिए आसान तरीके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की अनुमति देगा। फिर है नॉलेज बेस। द बेस ऑफ ऑल द नॉलेज इज विटाल फॉर एनी डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। किसी भी डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के लिए सभी ज्ञान का आधार महत्वपूर्ण है। तो नॉलेज बेस है वो सबसे मेन कंपोनेंट है। द नॉलेज बेस इज यूजुअली यूज्ड एज द गाइडिंग बीकन फॉर द पैटर्न ऑफ द रिजल्ट। तो नॉलेज बेस है वो यूजुअली हमें गाइड करेगा, एक प्रकाश की तरह। जैसे आप अंधेरे में चल रहे हैं, तो अंधेरे में जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आप आगे चल नहीं पाएंगे। तो वो टॉर्च जो काम कर रही है गाइड करने का, ठीक है, वो लाइट दिखा रही है मैं अंधेरे में। उसी तरह से जब तक नॉलेज बेस नहीं हुआ, हमें यही नहीं पता है कि इन्फॉर्मेशन कौन सी निकालनी है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये बताया गया यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कौन सी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने को निकालनी है। इट माइट आल्सो कंटेन द डेटा फ्रॉम व्हाट द यूजर हैव एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें वो डेटा भी हो सकते हैं जो उपयोगकर्ता ने अनुभव किया है। द डेटा माइनिंग इंजिन इंटरेक्ट विद द नॉलेज बेस ऑफन टू बोथ इंक्रीज द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो डेटा माइनिंग इंजिन है वो इंटरेक्ट करता है नॉलेज बेस के साथ में, ताकि जो डेटा है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, जो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमने निकाले हैं, उनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके। इवन द पैटर्न इवोल्यूशन मॉड्यूल हैज ए लिंक टू द नॉलेज बेस। यहाँ तक कि पैटर्न मूल्यांकन मॉड्यूल है वो भी जो नॉलेज बेस है उससे लिंक रहता है। इट इंटरेक्ट विद द नॉलेज बेस ऑन अ रेगुलर इंटरवल टू गेट वेरियस इनपुट्स एंड अपडेट्स फ्रॉम इट। यह विभिन्न आदानों और अध्ययनों को प्राप्त करने के लिए एक नियमित अंतराल पर ज्ञान आधार के साथ बातचीत करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हिंदी में कुछ प्योर हिंदी हो गई है ट्रांसलेट करने में, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है। मेन जो चीज़ है वो आपके समझ में आनी चाहिए। अब डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर, तो हमने एलिमेंट्स देखे, ये एलिमेंट्स मिलके ही क्या करेंगे, डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर बनाएंगे। डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर हैज़ मैनी एलिमेंट्स लाइक डेटा माइनिंग इंजिन, पैटर्न इवोल्यूशन, डेटा वेयर हाउस, यूजर इंटरफेस एंड नॉलेज बेस। ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर दिख रही है, यहाँ से इंटरेक्ट करेगा यूजर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल का मतलब ग्राफिक्स रहेगी। यहाँ पर आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बटन्स वगैरह दिखेंगे, ग्राफिकल इंटरफेस रहेगा ताकि काम करने में आसानी रहे। तो यहाँ से इंसान है वो इंटरेक्ट करेगा, डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में आता है पैटर्न इवोल्यूशन, इसके नीचे जो लेयर होती है, क्योंकि यूजर के पास क्या पहुँचेगा, एक पैटर्न बन के पहुँचेगा ताकि उसको समझने में आसानी रहे। पैटर्न से पहले क्या होगा, डेटा माइनिंग इंजिन काम करेगा। वो डेटा माइनिंग इंजिन इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालेगा, डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस के सर्वर से। और सर्वर के ऊपर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इसमें डेटाबेस हो सकता है, डेटा वेयर हाउस होगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकती है। और जैसा कि हमने देखा कि पैटर्न इवोल्यूशन और डेटा माइनिंग इंजन दोनों नॉलेज बेस के साथ में लिंक रहते हैं, ठीक है। अब वापस जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक बार वापस देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर सकता है, करता है कैसे काम।
देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं और ये देखिए कहाँ से कलेक्ट किए हैं, ये हमारे एक गूगल फॉर्म है जो अभी कोरोना के कारण बच्चे कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ये डेटा फीड करने के लिए किस फैकल्टी ने कब क्लास ली, कौन से ईयर में, कौन से ब्रांच में, कौन से सब्जेक्ट की क्लास ली, क्या टॉपिक था और कितनी अटेंडेंस थी, तो ये सब फैकल्टीज हैं और ये कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हज़ारों टीचर्स भी हो सकते हैं अगर सबका डेटा हम देखें तो। अब जो ये डेटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है वो देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये एक एक्सेल शीट आती है, उस एक्सेल शीट में होता है, आपने देखा होगा एक्सेल शीट। ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये हम डायरेक्टली देखेंगे तो हमारी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर एक तरह से क्या है, गूगल की फैसिलिटी है, तो ये गूगल ही हमें दिखा रहा है। तो देखिए ये समरी जो दिखा रहा है, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है कौन सी डेट को कितनी टोटल क्लासेज हुई है, फिर यहाँ फैकल्टी नेम देख सकते हो आप, और किस फैकल्टी की कितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है क्लासेज के अंदर, फिर यहाँ ब्रांचेज में देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच है उसमें कितनी क्लासेज हुई है, यहाँ आप ईयर में देख सकते हैं कि कौन से ईयर की कितनी क्लासेज हुई है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन नहीं हुए हैं। ये सब्जेक्ट कोड दिखा रहा है कौन से सब्जेक्ट कोड की कितनी क्लासेज है, या टॉपिक्स जो कवर हुए, तो ये क्या है, पैटर्न्स है। देखिए समझने में आसानी हो रही है, ये ऊपर वाला जो पाई चार्ट दिख रहा है आपको, सर्किल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि कौन सा प्लेयर है वो कौन से साइड में, जैसे यहाँ पर देखिए 20% आ रहा है ब्लू कलर में, तो कोई बैट्समैन है वो इधर मान लो ज़्यादा रन इस साइड में बनाता तो वो बताएंगे 20% रन इस साइड में बनाए, ठीक है। तो ऐसे हर एक फील्ड के अंदर आप, ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट आया तो आपके 5 सब्जेक्ट है तो उसमें दिखा दिया उसके अंदर, ठीक है, कितना किसका योगदान, मतलब इससे पैटर्न से क्या होता है, ये सारी पैटर्न से देखिए अलग अलग ये पैटर्न है, तो इससे हमें समझने में आसानी होती है। तो डेटा माइनिंग में भी क्या करते हैं, ऐसे ही पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने हमने ये आर्किटेक्चर देख लिया, सबसे ऊपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके बाद में पैटर्न इवोल्यूशन, फिर डेटा माइनिंग इंजन, फिर डेटाबेस सर्वर, और उसके बाद में नीचे डेटाबेस और नॉलेज बेस है वो पैटर्न इवोल्यूशन और डेटा माइनिंग इंजन दोनों से अटैच रहता है। आइए सर, डेटा माइनिंग इंजन हमने देखा कि डेटा माइनिंग इंजन क्या होता है, डेटा माइनिंग इंजन इज दी कोर कंपोनेंट ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। पैटर्न इवोल्यूशन, पैटर्न इवोल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग वेरियस पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग इंजिन। डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस इज अ प्लेस विच स्टोर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज अंडर यूनिफाइड स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटा वेयर हाउस इज क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेटा माइनिंग सिस्टम। इट अलाउज यूजर टू यूज द सिस्टम ईजिली इवन इफ यूजर डजेंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सिस्टम। नॉलेज बेस, नॉलेज बेस कंसिस्ट ऑफ डेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। नॉलेज बेस प्रोवाइड्स इनपुट टू द डेटा माइनिंग इंजिन विच गाइड्स डेटा माइनिंग इंजिन इन द प्रोसेस ऑफ पैटर्न सर्च। तो ये हमारा था डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर और डेटा माइनिंग के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है या आपके सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक करेंगे तो आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।